हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि मीठा नीम। देखिए, ये है मानसून का मौसम, है बारिश हो रही है, चारों तरफ मॉइस्चर है। देखिए कितना ग्रीन और खूबसूरत सुंदर लग रहा है ये। और इसमें देखिए ये फ्रूट्स आ रहे हैं। ये देखिए फ्रूट्स पहले ग्रीन होते हैं, फिर ये रेडिश होते हैं, फिर ये ब्लैक होते हैं। ये पक गए हैं और इनके अंदर से देखिए आपको दिख रहे हैं बीज निकल रहे हैं, और ये बीज से बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। लेकिन इसको बीज से जब हम ग्रो करेंगे तो उगने में टाइम लगता है पौधे को। इस मौसम का ये फ़ायदा है मानसून के मौसम का कि इस मौसम में अगर हम इसको कटिंग से लगाएंगे, कोई भी, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कटिंग से या पत्ती से पौधे को ग्रो करते हैं, तो उससे उसमें क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, इसमें एक तो जो पौधा होता है ना वो एग्जैक्टली मदर प्लांट जैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि आपका मदर प्लांट जो है उसमें एक रंग के फूल आ रहे हैं, कटिंग से उगाए हुए पौधे में दूसरे रंग से या गलत आ जाए, ऐसा नहीं होता है। बीज वाले पौधे में वो मदर प्लांट से थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि उससे पॉलिनेशन दूसरे प्लांट से उसका हुआ हुआ होता है। तो हमें इस प्लांट से अगर हम इस टाइम कटिंग से लगाएंगे ना, तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, वो ज़्यादा मैच्योर प्लांट बनता है। जो कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है वो थोड़ा मैच्योर प्लांट बनता है। तो इसलिए आज हम इसकी बात करते हैं कटिंग से कैसे। मैं एक दिन गुट्टी पे भी बात करूँगी कि एयर लेयरिंग कैसे करते हैं, आज इस पे बात करती हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। इसकी जो आपको कटिंग लेनी है ना, वो सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है, मतलब ब्राउन लेनी है बहुत ज़्यादा। देखिए मैं जैसे ये ब्रांच काट रही हूँ, इसको लेके बात करती हूँ आपसे। ये जो है ना, ये कटिंग सबसे अच्छी रहेगी इस थिकनेस की। पेंसिल होती है ना जो हमारी पेंसिल लिखने वाली, उस थिकनेस की कटिंग लें। इस पे से देखिए ये साइड वाली सारी ब्रांचेस, ये करी पत्ता हो जाएगा। हम इसको इकट्ठा करके मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, या इसको सुखा के भी रख लेती हूँ मैं, फिर काम आता है सब्जी में। अब देखिए ये कटिंग इतनी बड़ी है, अब हम इसको दो हिस्सों में कर लेंगे ये देखिए। लेकिन हमें याद रखना है कि ये नीचे का हिस्सा है और इस कटिंग का ये वाला नीचे का हिस्सा है। ये देखिए ऐसे, ये याद रखना है कि नीचे का हिस्सा कौन सा है। और कटिंग को कैसे काटना है, जैसे ये देखिए ये नोड है, ये पत्तियां निकलती हैं ना, ये गांठ होती है जो स्टेम में, जहाँ से ये पत्तियाँ निकलती हैं। इस पत्ती से थोड़ा सा नीचे, जैसे मैंने ये काटी हुई है, ऐसे काटनी है और थोड़ी सी तिरछी काटनी है, किसी शार्प चीज़ से काटनी है, ब्लंट से नहीं काटनी। ऐसे काटें आप, और इसको भी ऐसे करना है। कटिंग को या तो मॉर्निंग के टाइम लेना है आपको, और या कटिंग को आपको लेना है इवनिंग के टाइम। लेकिन अभी बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ, इस टाइम जब मैं लगा रही हूँ इस टाइम बारिश हो रही है, तो बारिश के मौसम में आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं। मैं वैसे इस टाइम शाम के टाइम ले रही हूँ, लेकिन बारिश, अगर घने बादल हैं, बारिश हो रही है या अच्छा है, तो आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। और लेते ही कटिंग को पानी में डालते हैं, इतनी कटिंग बहुत है इसकी। बहुत ज़्यादा लंबी कटिंग लेते हैं तो वो अच्छा नहीं रहता है। कटिंग को ऐसे लेने के बाद सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है, जो नोड है उससे थोड़ा सा नीचे से लेनी है। और अब क्या करना है हमें, कटिंग को जिस मिट्टी में लगाना है उसमें बहुत ज़्यादा खाद नहीं होनी चाहिए। एक हिस्सा मिट्टी ले लें और एक हिस्सा रिवर सैंड ले लें। ये जो मैंने मिट्टी ली है, ये मेरे पुराने गमलों की जो है वो, जिसमें विंटर प्लांट्स लगाए हुए थे, उस गमले की मिट्टी है। क्योंकि विंटर प्लांट्स ने इसकी न्यूट्रिशन ज़्यादातर यूज़ कर लिया, तो इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होने से क्या होता है, जलने का डर रहता है कटिंग का, है ना। और इसमें क्या करें, बस थोड़ा सा फंजीसाइड मिला दें, जो भी आपकी मिट्टी है। अगर आपने नई बनाई है तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रिवर सैंड ले लें। और अगर आपकी पुरानी मिट्टी ले रहे हैं, तो जैसे ये गमला है, इसमें आधा चम्मच मैंने फंजीसाइड पाउडर कोई भी मिला दें, साफ मिला दें, मैंकोजेब मिला दें, बेवस्टिन मिला दें, कोई भी, बहुत सारे आते हैं, वो मिला दें। वो आपने इसमें मिट्टी आपने तैयार कर ली गमले में, गमले का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। अब हमने गमले में, और कटिंग जब भी लगाएं आप, कटिंग एक से ज़्यादा लगाएं। देखिए अब ये छोटा गमला है, इसमें एक लगनी चाहिए कायदे से कटिंग, लेकिन मैं दो लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है बता के। और वैसे आप थोड़ा बड़ा गमला लें या ऐसे गमले हैं, तो चार पांच छह गमलों में एक 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 कटिंग सब में लगा दें। और मैं ये लगा रही हूँ। अब देखिए रूटिंग हार्मोन बहुत ज़रूरी है इसमें लगाना। ये देखिए, कोई भी रूटिंग हार्मोन लें, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि यही वाला लें। रूटिंग हार्मोन आप थोड़ा सा अलग निकाल लें। और इस टाइम देखिए बारिश हो रही है, इसलिए भी मैं डब्बी
खोल नहीं सकती हूँ, मैंने हाथ में ले लिया रूटिंग हार्मोन। रूटिंग हार्मोन क्या होता है, ये रूटिंग को भी एनहेंस करता है, इसके प्रोसीजर को फास्ट करता है, साथ में फंजीसाइड का काम भी करता है, आपकी कटिंग को फंगस नहीं लगने देता है। अब देखिए इसमें मैंने कोई पत्ती भी नहीं रहने दी है। अच्छा, कटिंग की एक बात और बताऊँ, जब आप किसी पेड़ से कटिंग लेते हैं, 1 से 1.5 इंच इसको हमने ऐसे दबा दिया और प्लेस कर दिया इसमें। अब ये दूसरी कटिंग लेते हैं, इसको हमने लिया, इसको ऐसे इस पे लगाया, ऐसे किया और इसमें हमने 1 से 1.5 इंच इसमें प्लेस कर दिए। देखिए अब इसका ये जो खुला वाला हिस्सा है कटिंग का, इसको या तो मैं तो इसमें ये लगा देती हूँ, अभी रूटिंग हार्मोन ही एक्स्ट्रा पड़ा है, मेरे हाथ में रह गया है, और या फिर आप इसमें ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, आपने कोई पुराने नेल पॉलिश हो उससे सील कर दें या फेविकॉल से सील कर दें, ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर बाहर नहीं निकले, इसके अंदर ट्रैप रहे। कटिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि कटिंग का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसमें से मॉइस्चर लॉस हो जाता है, और कटिंग में जड़ें नहीं होती हैं, इसलिए कटिंग ज़मीन में से ना तो न्यूट्रिशन ले सकती है और ना वो जो है पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। इसलिए हमें कटिंग को मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये इसीलिए बारिश का मौसम कटिंग्स लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर यही कटिंग आप फरवरी में लगाते हैं, तो आपको इसको एक कोई पॉलीथीन ले लीजिए, इसको पॉलीथीन से ऐसे कवर कर देना है, पूरा पॉलीथीन से ऐसे लेके कवर कर दें और यहाँ से धागे से बांध दें, है ना, और फिर पॉलीथीन में एक आधा छेद कर दें, ताकि एक ग्रीन हाउस क्रिएट हो जाए, जो मॉइस्चर है वो इस मिट्टी में से कटिंग में से लॉस होके एनवायरनमेंट में नहीं जाए, बाहर नहीं जाए, है ना, तो सराउंडिंग्स में लॉस नहीं हो जाए। तो अभी जब हम बारिश के मौसम में लगाते हैं, तो अभी इसमें कोई मॉइस्चर लॉस का डर नहीं है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मॉइस्चर है और बारिश भी होती रहती है, तो अभी इस टाइम इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लगाएं कटिंग्स। जब भी लगाएं 5-10 कटिंग्स एक साथ लगाएं, ताकि जो कटिंग्स हैं वो 100% कभी भी नहीं चलती हैं, आप 10 में से 8 चल जाएगी, 5 चल जाएगी, 4 चल जाएंगी, इस तरह से कटिंग्स चलती हैं, क्योंकि उनमें रूट्स तो होती नहीं है ना। और जो सुबह आप कटिंग लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, उनके चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उस टाइम रात भर का खाना उनमें इकट्ठा हो जाता है और हार्मोनल लेवल उसमें ज़्यादा हो जाता है, फूड ज़्यादा हो जाता है, हॉर्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा देर तक रह सकती है जिंदा और अपनी रूट्स को डेवलप कर सकती है। तो अर्ली मॉर्निंग के लिए हुई कटिंग सबसे ज़्यादा चलती है। वैसे आप बारिश के मौसम में किसी भी टाइम कटिंग ले सकते हैं। और लगाने के बाद इस कटिंग को आपको रखना कहाँ है, आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पड़ती हो, लेकिन धूप नहीं पड़ती हो, छाया रहती हो, है ना, मतलब लाइट अच्छी सी हो और छाया हो, ऐसी जगह रखना है। और ये मौसम अच्छा है ही, इस मौसम में आपको कुछ भी बारिश, अगर एक आधा दिन बारिश नहीं आती है तो भी एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर रहता है, फिर भी अगर एक दो दिन बारिश बीच में नहीं आए, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, तो स्प्रे बॉटल से थोड़ा सा इसको स्प्रे कर दो, ताकि इसके ऊपर मॉइस्चर की कमी नहीं हो कटिंग्स पे। और अभी देखिए मैंने ये गुड़हल के पेड़ के नीचे रख दिए हैं इस कटिंग को, ये गुड़हल की कटिंग्स लगाई हुई हैं, और इनको अब मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। कटिंग्स को जब हिलाते हैं तो उनका रूटिंग रूट्स बनने का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो रूट्स बनने डिले हो जाती हैं या नहीं बनती, कटिंग मर जाती है। इनको हिलाना बिल्कुल नहीं है, अब हमको जहाँ जैसे हमने रख दिया है, ना कटिंग निकालनी है ना बर्तन को हिलाना है, तो अगर हिलाया तो फिर आपकी कटिंग्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। ऐसे ही इनको पड़ा रहने दें, 20 दिन महीने में इनमें पत्ते आएंगे पहले, फिर इसमें छोटी छोटी रूट्स डेवलप होंगी, देखनी नहीं है उखाड़ उखाड़ के रूट्स को, डेवलप होने देना है, खूब अच्छा पौधा डेवलप हो जाएगा जब, तो हम इसको एक महीने बाद थोड़ी थोड़ी सी, 20 दिन बाद या एक महीने बाद थोड़ी थोड़ी सी इसको खाद देंगे। हम खाद कैसे देंगे, लिक्विड खाद दे देंगे, और या फिर पत्तों पे स्प्रे कर, या तो आप खाद को घोल के पत्तों में स्प्रे कर दें, या फिर लिक्विड खाद इसमें दे दें 15-20 दिन बाद। तेज खाद नहीं देनी है, हल्की माइल्ड खाद देनी है, जैसे एक मुट्ठी खाद आपने 5 लीटर पानी में भिगो दी, कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, फिर उसको आपने इसमें देना है। तो वो कब देना है, जब इसके पत्ते आने शुरू हो जाएंगे इसमें तब, और फिर भी नहीं छेड़ना है इसको। हम जाके यूज़ कब करेंगे, इसको अलग करके रिपोर्ट कब करेंगे, सितंबर या अक्टूबर में जाके इसको हम रिपोर्ट करेंगे, जब ये रूट्स इसकी अच्छे से डेवलप हो जाएंगी। अच्छा, ज़मीन में मेरे रखने से एक फ़ायदा और है कि इसकी रूट्स जब डेवलप होंगी
और धीरे धीरे नीचे जमीन में भी जाने लग जाएंगी, तो आपकी कटिंग को और अच्छा इसको डेवलप हो जाएगी। फिर जब हम नीचे से इसको हटाएंगे, गमले को थोड़ा सा खुरपी से हटा लेंगे नीचे से जड़ें लेते हुए, और फिर इसको रिपॉट कर देंगे अगस्त में या सितंबर या अक्टूबर तक भी कर सकते हैं, जब पौधा अच्छा सा मैच्योर हो जाएंगी, रूट्स डेवलप हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए, एक और चीज़ दिखाती हूँ बाय करने से पहले। ये देखिए, मधुमालती के बेल के ऊपर ये देखिए, ये करेले की बेल चढ़ी हुई है मेरे। ये दिख रही है आपको करेले की बेल? ये देखिए, ये करेले की बेल चढ़ी हुई है। तो इसी के साथ ये देखिए, छोटा सा करेला भी लगा हुआ है। इसी के साथ, ओके फ्रेंड्स, बाय।